हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अतुल्य कोचिंग। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एडवर्टीजमेंट और डेट इसका देख सकते हैं आप, 1 फरवरी 2021। सुप्रीम कोर्ट में कुछ वैकेंसी आया हुआ है और इसके लिए क्वालिफिकेशन जो है सिंपल ग्रेजुएट होना चाहिए, यानी कि यदि आपने इंग्लिश या हिंदी से ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आपके लिए बहुत बड़ा ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप इसको ध्यान से देखिए। आगे बढ़ने से पहले, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो, नए हो और आपको लगता है कि आपको भी इस तरह का लगातार अपडेट आपके मोबाइल पर सबसे पहले चाहिए आपको, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप चाहते हैं कि आपको लगातार हर तरह का अपडेट आपको लगातार मिलते रहे आपके मोबाइल पर, इसके लिए ज़रूरी है यूट्यूब चैनल के अलावा फेसबुक और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिए। चलिए देख लेते हैं कि ग्रेजुएशन जिन्होंने किया हुआ, यानी कि जो सिंपल ग्रेजुएट हैं, उनके लिए क्या कुछ अपॉर्चुनिटी आया हो, ये देखिए आप। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम इंडियन सिटीजन्स हु फुलफिल द फॉलोइंग एंड अदर एलिजिबिलिटी कंडीशंस एज ऑन 1 जनवरी 2021 फॉर प्रिपरेशन ऑफ ए पैनल ऑफ कैंडिडेट्स फॉर फिलिंग अ वैकेंसी फॉर द एक्स कैडर पोस्ट ऑफ कोर्ट असिस्टेंट जूनियर ट्रांसलेटर। ये आपके पोस्ट का नाम है, कोर्ट असिस्टेंट जूनियर ट्रांसलेटर, प्लेस्ड इन लेवल 7 ऑफ द पे मैट्रिक्स विद इनिशियल बेसिक पे ऑफ ₹44,900। द ब्रेकअप ऑफ द वैकेंसी इज एज फॉलोज। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो वैकेंसी है, यानी कि वैकेंसी का जो नाम है, नोमेनक्लेचर ऑफ द पोस्ट, जूनियर ट्रांसलेटर फॉर ट्रांसलेटिंग जजमेंट फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी, इसके लिए 5 पोस्ट है। और दूसरा आप देख सकते हैं यहाँ से, दूसरा जो सीरियल नंबर है, जूनियर ट्रांसलेटर फॉर ट्रांसलेटिंग जजमेंट फ्रॉम इंग्लिश टू आसमीज। तीसरा सीरियल नंबर देख सकते हैं आप यहां से, जूनियर ट्रांसलेटर फॉर ट्रांसलेटिंग जजमेंट फ्रॉम इंग्लिश टू बंगाली। चौथा ये आपका है, जूनियर ट्रांसलेटर फॉर ट्रांसलेटिंग जजमेंट फ्रॉम इंग्लिश टू तेलुगू। आप राइट साइड में ये नंबर ऑफ वैकेंसी भी देखते रहना कि इस वैकेंसी इस पोस्ट के लिए कितना है। नंबर 5, जूनियर ट्रांसलेटर फॉर ट्रांसलेटिंग जजमेंट फ्रॉम इंग्लिश टू गुजराती, इसके लिए 2 वैकेंसी है। जूनियर ट्रांसलेटर फॉर ट्रांसलेटिंग जजमेंट फ्रॉम इंग्लिश टू उर्दू, इसके लिए 2 वैकेंसी है। और 7th नंबर है आपका, ट्रांसलेटिंग जजमेंट फ्रॉम इंग्लिश टू मराठी, फिर ट्रांसलेटिंग जजमेंट फ्रॉम इंग्लिश टू तमिल। यानी कि ये जो डिफरेंट है, देखिए आपको ये अब तक समझ में आ गया होगा, ये इंग्लिश टू डिफरेंट लैंग्वेज है, मतलब इंग्लिश टू हिंदी, इंग्लिश टू मराठी, इंग्लिश टू तमिल, इंग्लिश टू कन्नड़, इंग्लिश टू मलयालम, इंग्लिश टू मणिपुरी, इंग्लिश टू उड़िया, इंग्लिश टू पंजाबी, इंग्लिश टू नेपाली, यानी कि जो भी है इंग्लिश से आपको डिफरेंट लैंग्वेज में ये करना। बाकी आप जिस किसी लैंग्वेज के लिए आप फिट बैठते हो, आप जिस किसी लैंग्वेज के लिए आप एलिजिबल हो, आप यहाँ से देख सकते हैं अच्छी तरह से। और नंबर ऑफ वैकेंसीज भी आपको यहाँ से दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ से क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इसके लिए, ये देखिए आप, बैचलर्स डिग्री और ग्रेजुएट विद इंग्लिश एंड हिंदी एज सब्जेक्ट। एंड दूसरा इसमें है, डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी एंड वाइस वर्सा फ्रॉम यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट और UGC। और उसके बाद और में है कि तीसरा पॉइंट यहाँ, 2 years एक्सपीरियंस इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटर्स, सेक्रेटारियट्स और सेंट्रल स्टेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और हाई कोर्ट। 4th पॉइंट है इसमें, प्रोफिशंसी इन कंप्यूटर ऑपरेशन एंड नॉलेज ऑफ रिलेवेंट ऑफिस पैकेजेस, दैट इज वर्ड प्रोसेसिंग इन इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेजेस। मतलब ये है कि इंग्लिश, देखिए कंप्यूटर का नॉलेज तो आपको चाहिए चाहिए, बिना कंप्यूटर का तो देखो आजकल कुछ होता ही नहीं है। उसके बाद दूसरा इसमें देख सकते हैं यहाँ पर, जो पॉइंट नंबर 2 है, कोर्ट असिस्टेंट एक्स कैडर जूनियर ट्रांसलेटर फॉर ट्रांसलेशन फ्रॉम, ये देखिए जो भी हमने यहाँ पर डिफरेंट जो हमने यहाँ पर देखा पोस्ट, ये जो डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए, मतलब डिफरेंट जो लैंग्वेज है, यानी इंग्लिश टू जो लैंग्वेज है, उसके लिए सबका यहाँ पर देखिए क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। ये आपको अच्छी तरह से रीड कर लीजिए, जिस किसी सब लैंग्वेज के लिए आप जाना चाहते हैं तो आप यहाँ अच्छी तरह से रीड कर लीजिए, और आपको लगता है कि आप समझ गए अच्छी तरह से तो फिर इसको आप प्रोसीड कीजिए, भरिए इसको। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सबके लिए यहाँ पर दिया हुआ है, जिस किसी लैंग्वेज में आप जाना चाहते हैं, जैसे कि इंग्लिश टू जो लैंग्वेज है, जैसे हिंदी है, असमीज है, मराठी है, गुजराती है, जो भी है, उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए आपको, आप यहाँ से देख सकते हैं। ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, और बाकी इसमें हम लोग आगे चलते हैं और कि क्या कुछ इसके लिए रिक्वायरमेंट है।
ये देखिए, ये अभी तक यही चल रहा है, 12th नंबर पा गया 13th। उसके बाद अब देखिए, यहाँ देखिए आप, एज रिक्वायरमेंट क्या होगा इसके लिए। कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर ट्रांसलेटर शुड बी अबव 18 ईयर्स एंड बिलो 27 ईयर्स, यानी 18 27 साल के बीच में आपका एज होना चाहिए। यूजुअल रिलैक्सेशन इन एज विल बी एडमिसिबल टू द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC ST, यानी कि इसमें कुछ रिलैक्सेशन होगा एज का, जो भी गवर्नमेंट नॉर्म्स है। इंपॉर्टेंट नोट्स में देखिए आप, देयर शैल बी नो प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन इन पोस्ट एट सीरियल नंबर 2 to 14, यानी कि 2 से लेकर के 14 तक जो सीरियल नंबर है उसमें रिजर्वेशन का कोई भी इस तरह का प्रोविजन नहीं है। इस स्कीम ऑफ एग्जामिशन सिलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर ट्रांसलेटर, इसके लिए क्या प्रोसीजर रहेगा आप देख सकते हैं यहाँ से। रिटर्न टेस्ट आपका होना है, और इस रिटर्न टेस्ट में क्या कुछ रहेगा आप देख सकते हैं यहाँ से। रिटर्न टेस्ट ऑफ जनरल इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज विद मल्टीपल चॉइस आंसर, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप, 30 मार्क्स का रहेगा, 60 और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, इसमें 60% इसमें आपको क्वालिफाई करना है आपको, यानी कि जो 30 मार्क्स का एग्जाम होगा आपका उसमें 60% आपको क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा। बी है ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू वर्नैक्युलर लैंग्वेज ऑफ स्टेट, इसके में भी 60 मार्क्स का होगा, इसमें 60% क्वालिफाइंग है आपका। सी नंबर है इसमें ट्रांसलेशन फ्रॉम वर्नैक्युलर लैंग्वेज टू इंग्लिश लैंग्वेज, इसमें 60 मार्क्स रहेगा, और यहाँ पर भी 60% आपको लाना है कम से कम। पॉइंट नंबर 2 देखिए आप यहाँ से, ये पॉइंट नंबर 2, टाइपिंग स्पीड टेस्ट ऑन कंप्यूटर एट द स्पीड ऑफ 35 पर मिनट, ये इंग्लिश के लिए रहेगा 35 वर्ड पर मिनट एंड 25 वर्ड पर मिनट येगा रहेगा आपका वर्नाकुलर लैंग्वेज, यानी कि जो भी लैंग्वेज आप सेलेक्ट करेंगे। मैक्सिमम परमिसेबल मिस्टेक्स 5% ऑफ द टोटल वर्ड्स टाइप्ड, आप इंग्लिश के लिए यहाँ पर रहेगा 10 मार्क्स, और वर्नाकुलर मतलब जो भी अदर लैंग्वेज है आपका उसके लिए रहेगा 10 मार्क्स, यानी कि 20 मार्क्स यहाँ से रहेगा, जिसमें 60% क्वालिफाइंग यहाँ भी रहेगा। ये देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का वेबसाइट है, और हम लोग अभी होम पेज पर हैं। होम पेज पर आने के बाद, पहले तो होम पेज पर कैसे आएंगे आप ये देख लीजिए, ये जो होम पेज है इसका एड्रेस, चलिए इसका एड्रेस मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप ले सकते हैं आप। तो जैसे होम पेज पर पाएंगे, तो होम पेज पर आने के साथ ही लेफ्ट साइड में देखिए आप, ये रिक्रूटमेंट यहाँ पर ऑप्शन है, रिक्रूटमेंट को क्लिक कीजिए आप। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ से, मैं इसको ज़रा, ये देखिए, रिक्रूटमेंट के बाद इसमें जो पहला जो इसमें नोटिस है, ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइटेड फॉर पार्टिसिपेटिंग इन सिलेक्शन प्रोसेस फॉर अपॉइंटमेंट टू द एक्स कैडर पोस्ट ऑफ कोर्ट असिस्टेंट, यानी जूनियर ट्रांसलेटर, इसको क्लिक करेंगे आप। इसको देखो मैंने क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद आपको ये जो इस तरह का पेज दिखेगा, आपको आना है व्यू एडवर्टीजमेंट पर, उसके बाद शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ से देखना चाहते हैं ये देख सकते हैं आप, क्लैरिफिकेशन यहाँ से चेक कर सकते हैं आप, और यहाँ देखिए लॉग इन टू अप्लाई ऑनलाइन, ये फ्रेशर कैंडिडेट के लिए यहाँ पर है, और ऑलरेडी जिन्होंने पहले कर इसके लॉग इन किया हुआ है उनके लिए यहाँ पर कंप्लीट प्रोसेस करने के लिए है ये। तो चलिए हम लोग अभी व्यू एडवर्टीजमेंट पर क्लिक करते हैं, और यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे आप तो आपको फिर वही पेज दिखेगा जो हमने अभी डिस्कस किया, ये देखिए ये पेज भी वही पेज है। तो ये था एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि आपके इसमें सुप्रीम कोर्ट में जो आया हुआ है वैकेंसी, और यदि आप इंटरेस्टेड हो, एलिजिबल हो, तो इसको आप ज़रूर भरिए। और हमारे चैनल पर यानी कि अतुल्य कोचिंग चैनल पर इस तरह का अपडेट लगातार ऑनलाइन होते रहता है। यदि आप चाहते हैं कि आपको भी इस तरह का लगातार अपडेट आपके मोबाइल पर मिलता रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मोबाइल का नोटिफिकेशन बिल को ऑन करिए, ताकि हर अपडेट आपको लगातार यहाँ से मिलता रहे। आप हमारे फेसबुक और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ जो जो वैकेंसी अपडेट होता है वो यूट्यूब चैनल पर नहीं आता है, तो आप वहाँ से भी फायदा ले सकते हैं। मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, जहाँ पर हम इस तरह की और बातें करेंगे। तब तक इस वीडियो को इतना प्यार से देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।